पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग आउटलेट के भीतर आपसी रंजिश में फायरिंग का मामला सामने आया है। 10 राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। घटना के बाद अधिकारी और दिल्ली क्राइम टीम मौके पर पहुंच गए हैं। इस घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने और सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है। डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर का कहना है कि राजौरी गार्डन पीएस को रात करीब 9:45 पर फोन आया कि बर्गर किंग आउटलेट पर फायरिंग की घटना हुई है। अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। बर्गर किंग आउटलेट में बैठे युवक पर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिससे पूरे इलाके में खौफ फैल गया। तकरीबन 9:45 राजौरी गार्डन थाने में लोकल 20 स्टाफ को एक खबर मिली थी जिसमें कि बताया गया कि बर्गर किंग पे यहाँ पे कुछ गोलियाँ चली हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो बीट ऑफिसर्स थे उन्होंने और लोकल थाने के स्टाफ ने रिस्पॉन्ड करा। यहाँ पर पहुँचने पर जब वो घटना सत्य पाई गई तो डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, AATS, उन सबको यहाँ पर मोबिलाइज करा गया। पहुंचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी तक इतनी ही जानकारी, ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही वो पुख्ता जानकारी हमारे पास अवेलेबल होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सर, जिस शख्स की मौत हुई उसके साथ लड़की भी थी, सर लड़की यहाँ से भाग गई, उसका क्या? देखिए, अभी सारे के सारे कैमराज वगैरह चेक करके और सारे फैक्ट्स एसरटेन करे जा रहे हैं तो इस समय पे कुछ भी कह पाना कि कौन साथ में था और कितने लोग आए थे वो अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही वो कन्फर्म होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। कितने हमलावर थे? मैंने वही बताया कि जैसे ही वो कंफर्म होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। दिल्ली का बताया जा रहा है? हाँ जी, जो मरने वाला है दिल्ली का है, कहाँ? आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होगी तो सब पता चल जाएगा कि कहाँ का है। फिलहाल के लिए आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। जैसे ही वो जानकारी में आएगा आप लोगों के साथ हम लोग पक्का शेयर करें।